जय हिंद साथियों, नमस्कार। सार्थक क्लासेस पावर टैक्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम इस सेशन के अंदर चर्चा करेंगे कि जो राजस्थान नगरपालिका भर्ती है सफाई कर्मचारी की, इसके ऊपर दोबारा से संकट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर साथियों महायुद्ध छिड़ने वाला है, यानी कि यहाँ पर आंदोलन छिड़ने वाला है। आंदोलन, अब वो आंदोलन किन मुद्दों को लेकर छिड़ेगा, उसके अंदर क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्या वह मुद्दे एक स्टूडेंट के पक्ष में रहेंगे या स्टूडेंट के पक्ष में नहीं रहेंगे, आंदोलन करने वाले कौन कैंडिडेट हैं, इन सभी विषयों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि साथियों आपको चैनल के ऊपर इसी प्रकार का कंटेंट यहाँ पर मिलता रहता है। तो जितनी भी अपडेट थी, तो अपना न्यूज़ का चैनल है ऑफलाइन न्यूज़ लाइव, ये अपना जो चैनल है न्यूज़ का चैनल है, इसके ऊपर हर एक अपडेट वहाँ से आती है, जयपुर से आती है, वो यहाँ पर आपके लिए डाल दी जाती है। लेकिन यहाँ पर अभी नया चैनल बनाया है, तो यहाँ पर अभी इतने कैंडिडेट नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी बताना आवश्यक जरूरी है। तो जो भी साथी है, जो आंदोलन हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे अपडेट तुरंत पाना चाहते हैं इससे संबंधित, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब इसके अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो साथियों राकेश जो मीणा जी हैं, राकेश मीणा जी हैं, उन्होंने क्या किया था कुछ दिन पहले, 15 जून को आप सभी को पता है ज्ञापन दिया गया था डीआरबी के अंदर दिया साथियों। अब उस ज्ञापन के अंदर क्या बोला गया था कि भाई सभी डिप्लोमा है, जो सर्टिफिकेट है यहाँ पर, अनुभव प्रमाण पत्र, उनको यहाँ पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए, यानी कि उन सभी को माना जाए। वो फिर नगरपालिका में काम किया हुआ बंदा हो, एक होटल के अंदर काम किया हुआ बंदा हो, या फिर किसी लिमिटेड कंपनी के अंदर या कंपनी के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर काम किया हुआ बंदा हो, यहाँ पर सभी को इसके अंदर शामिल किया जाना चाहिए 2018 के अनुसार। ये राकेश मीणा जी के द्वारा बोला गया था। अब राकेश मीणा जी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि विभाग है, विभाग के द्वारा ये जोड़ा जा रहा है कि सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए आपका अनुभव प्रमाण पत्र है वो। इसका मतलब क्या हो गया, मैं आपको विस्तार से, बिल्कुल सही जानकारी विस्तार से बताता हूँ आपको। अगर आपने अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पर नगर पालिका से बनवाया है, तो एक साइड में तो आपके ठेकेदार के साइन होने चाहिए और एक साइड में आपके ईओ के साइन होने चाहिए, क्योंकि वहाँ का सक्षम अधिकारी नगर पालिका का एक ईओ होता है। आप अगर एक होटल से बनवा रहे हो, वैसे तो होटल का चलेगा नहीं, अगर बाई चांस यहाँ पर इसको भी वैलिड कर दिया जाता है, तो आप अगर होटल से भी बनवा रहे हो तो सक्षम अधिकारी के वहाँ पर साइन होने चाहिए। और नगरपालिका का जो नगरपालिका है, नगरपालिका का सक्षम अधिकारी कौन होगा, यहाँ पर ईओ होगा। अब ईओ साहब हैं, तो ईओ साहब किसी किसी कैंडिडेट के ऊपर तो कर देंगे, हर किसी के ऊपर साइन नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी भी यहाँ पर लाइफ का सवाल है, यह है ना बात। अब यहाँ पर अगर आप पंचायत, मान लीजिए आप पंचायत से आप बनवा रहे हो, तो ग्राम पंचायत से जैसे आपने एक साइड में ठेकेदार के और जो सरपंच जी हैं वहाँ पर उनके साइन करवा लिए, भाई आपने जैसे ग्राम पंचायत में काम किया हो, भाई वहाँ पर कोई ठेकेदार वगैरह ना हो, तो वहाँ पर आपने सरपंच जी के साइन करवा लिए, लेकिन वहाँ पर आपके सक्षम अधिकारी के भी साइन होने चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि वहाँ पर जो सक्षम अधिकारी कौन होता है, वीडियो, यानी कि ग्राम विकास अधिकारी, उसके भी साइन होने चाहिए। तो ग्राम विकास अधिकारी किसी के ऊपर साइन नहीं करेगा, वो जानकार होगा उसके ऊपर साइन कर देगा, या फिर उसको बिल्कुल सही तरीके से जानता है कि ये काम किया हुआ बंदा आपने यहाँ पर, तो उसके ऊपर तो साइन कर देगा, या फिर उसने पहले काम किया होगा और वो ग्राम विकास अधिकारी नया आया होगा तो वो भी नहीं करेगा। तो ये है सभी के साथ, जो भी स्टूडेंट है उनके साथ, फिर वो चाहे वाल्मीकि समाज का हो, फिर बाद में अदर कास्ट का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, सभी के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। तो राकेश मीणा जी ने ये बोला है, या तो इस भर्ती के अंदर जितने भी अनुभव प्रमाण पत्र हैं सभी को वैलिड यहाँ पर करवाया जाए, भाई आप वहाँ से रिकॉर्ड मंगवा सकते हो बाद में, लेकिन यहाँ पर वैलिड सभी को करवाया जाए डिपार्टमेंट के द्वारा। इसका मतलब हो गया, यहाँ पर अगर होटल में अंदर काम किया हुआ बंदा है, जैसे कुछ अदर कास्ट वाले हैं, तो अदर कास्ट वाले तो जैसे किसी को पैसे देकर बनवा ले, लेकिन यहाँ पर कुछ कैंडिडेट हैं जो वाल्मीकि समाज से हैं, बिल्कुल गरीब आदमी है, अदर कास्ट के बिल्कुल गरीब आदमी है, तो वो तो 10-15 हज़ार देंगे नहीं किसी ठेकेदार वगैरह को। भाई उसने ये मान लीजिए होटल के अंदर काम किया है, होटल के अंदर, तो वो बंदा तो होटल से ही बनवा सकता है और होटल का यहाँ पर चल नहीं रहा। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर राकेश मीणा जी ने है ये आंदोलन छेड़ा है। ये बोल रहे हैं कि जो भी बंदे हैं, भाई जिन्होंने जहाँ से काम किया वहाँ से अनुभव प्रमाण पत्र बनवाएगा बंदा, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि होटल के अंदर काम कर लिया नगर पालिका के अंदर बनवाने के लिए आएगा, कौन बना कर देगा वहाँ पर उसको, और फिर सक्षम अधिकारी के साइन और मांग रहे हो आप, तो कौन बना कर देगा इसे, कोई नहीं बना कर देगा। इन मुद्दों को लेकर के राकेश मीणा जी हैं ये आंदोलन छेड़ रहे हैं। इन्होंने बोला है कि अगले जो सप्ताह है, यानी कि जो अगला सप्ताह है वो भी 2 दिन बाद में आ गया, अगले सप्ताह के अंदर यह आंदोलन है वो छेड़ा जाएगा। जो शांति धारीवाल जी हैं उनके आवास का घेराव किया जाएगा, या फिर बाद में मुख्यमंत्री जी आवास है उनका घेराव किया जाएगा। ये राकेश मीणा जी का बयान है साथी। अब जो नेक्स्ट बात आती है कि सर इससे हमारी भर्ती के ऊपर खतरा आएगा नहीं आएगा, या हम इसके अंदर तैयारी करें या नहीं करें, क्योंकि जो राकेश मीणा जी द्वारा जो भी बोले जा रहे हैं बोल, वो देखो जहाँ तक मेरे को लगता है ना, वो एक स्टूडेंट के पक्ष में ही है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट है वो इतना जो भी इसके अंदर बाध्यता लगाई गई है, ये बाध्यता एक स्टूडेंट है वो किसी भी हालत में पूरी नहीं कर सकता।
अब यहाँ पर जो बात आती है, यहाँ पर जो बात आती है कि इससे अपनी भर्ती के ऊपर खतरा होगा नहीं होगा, इससे अपनी भर्ती के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं आने वाला। फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म आप भर दीजिए सभी बातों को लेकर के। मैं कल लाइव आया था, सभी बातें आपकी क्लियर हो चुकी हैं, कोई भी आपको कन्फ्यूज नहीं रहा। फिर भी डिप्लोमा से संबंधित कोई कन्फ्यूज वगैरह है तो उसके लिए कल या परसों अपन एक लाइव सेशन रखेंगे, उसके अंदर आप सभी के डिप्लोमा वगैरह हैं वो मैं चेक कर दूंगा साथी लाइव। तो साथियों इससे अपनी भर्ती के ऊपर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं आने वाला। राकेश मीणा जो बातें उठा रहे हैं उनके अंदर संशोधन हो सकता है विज्ञप्ति के अंदर। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि भाई इसकी भाई ये भर्ती के ऊपर कोई संकट आ गया, आंदोलन वगैरह हो गया तो ये आगे खिसक जाएगी। नहीं, कोई बड़ा कोई संकट आ जाए तो उसकी खिसक सकती है, नहीं कोई भी कारण के अंदर यह है भर्ती की प्रक्रिया है वो आगे नहीं खिसक सकती। क्योंकि आप सभी को पता है ये भर्ती रही, फिर बाद में स्कूल चपरासी की भर्ती है और खूब सारी भर्ती हैं, उनको भी तो करवाना है ना। तो साथियों ये आज की कुछ मुख्य मुख्य बातें थी। अब आपको मैं बात बता देता हूँ जो महत्वपूर्ण बात है, जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण बात है। जो इंटरव्यू से संबंधित तैयारी है तो अपने ऐप के ऊपर चल रही है और निःशुल्क क्लासें हैं, निःशुल्क क्लासें हैं आपके यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, निःशुल्क क्लासें हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर चलने वाली है। आप सभी को बता दिया था मैंने, मेरे को तो इतना टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन मैं आप सभी के लिए एक नए टीचर की व्यवस्था करूँगा। तो आपको यहाँ पर 1 जुलाई से साथियों यहाँ पर आपको पूजा मैडम द्वारा आपको यहाँ पर सफाई कर्मचारी के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर आपको करवाए जाएंगे साथियों, जो पिछली एग्जामों के अंदर आए हुए हैं। क्योंकि राजस्थान के अंदर तो पहली बार हो रहा है ये सिस्टम हो रहा है, जो पहले तो लॉटरी सिस्टम होता था, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी हो गई, स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी हो गई, क्योंकि सफाई कर्मचारी के अंदर तो वही क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और राजस्थान से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो भी आपके राष्ट्रीय कोड हो गए, इंटरनेशनल कोड हो गए, उन सभी प्रश्नों की जो आपकी क्लास है पूजा मैडम के द्वारा 1 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। यूट्यूब चैनल के ऊपर निःशुल्क रहेगा ये चीज़। और जो भी साथी हैं जो ऐप के ऊपर जुड़ रखे हैं, क्योंकि साथियों अभी जो 25 जो जून है इस तक ऑफर चला हुआ है, 25 जून तक आपको जो 899 के अंदर आपका बैच है वो यहाँ पर आपको 151 रुपये के अंदर दिया जा रहा है, तो आप उसको खरीद सकते हो। कल शाम को मैंने उसके अंदर PDF नोट्स भी डाल दिए हैं और आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम की दृष्टि से